सुशांत सिंह राजपूत से सबसे ज्यादा प्यार करने वाली अंकिता लोखंडे बहुत इमोशनल हो गई हैं, इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक बड़ी ही प्यारी चीज लिखी है। क्या लिखा है बताते हैं आपको इस वीडियो। अंकिता लोखंडे ने लिखा है कि समय तेजी से उड़ता है, जीवन अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन कुछ यादें हमारे प्यारे लोगों को कभी नहीं भूल सकती। आप हमेशा हमारे विचारों में बने रहेंगे, सुशांत। अंकिता लोखंडे अपने सोशल मीडिया, अपने बातों और अपने बयानों के जरिए लगातार इस बात पर भी इशारा करती रहती हैं कि कहीं ना कहीं हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने से भटक तो नहीं रहे। वाकई में दोस्तों, आजकल मीडिया की सुर्खियां जहां भी देखें, कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती, एनसीबी, ईडी, सीबीआई, डीआरडीओ जैसी चीजें ही देखने को मिल रही हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगारों तक किस तरीके से पहुंचा जा रहा है, सीबीआई ने अपनी कार्रवाई कहां तक की है, इन सारी बातों से हम कहीं ना कहीं अनजान हो चुके हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है जानना कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का मामला गया कहां, क्योंकि आंदोलन तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने को ही लेकर शुरू हुआ था। लेकिन अब कंगना रनौत बनाम शिवसेना पर आकर थम चुका है, राजनीति हो रही है बिहार में अलग, क्योंकि अक्टूबर महीने में वहां चुनाव होना है, महाराष्ट्र में अलग क्योंकि शिवसेना की सत्ता को किसी भी हाल में महाराष्ट्र सरकार से हटाना है। ऐसे में छोटे बड़े दल एक हो गए हैं और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत पर राजनीति की जा रही है, अपनी अपनी रोटियां लोग सेक रहे हैं। अगर मेरी बातों से आप सहमत है दोस्तों, तो प्लीज अपनी राय जरूर लिखिएगा, बने रहे हमारे साथ।